हरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद व जिला पंचायत अध्यक्ष सोनी देवी देशलहरा के प्रमुख उपस्थिति में एक दिवसीय मौन सत्याग्रह किया गया। गुंडरदेही में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आयोजन में उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित लड़की के साथ हुए अत्याचार व उस मामले में न्याय दिलाने को लेकर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई कार्यवाही को नाकाफी बताते हुए इस मामले में लीपापोती करने का भी आरोप लगाया गया है। हाथरस की बेटी मनीषा ठाकुर मनीषा वाल्मीकि को भी इंसाफ मिले, जैसे निर्भया हत्याकांड में उसके दोषी और उसके बलात्कारी को सजाए मौत मिले, वैसे भी हम इंसाफ चाह रहे कि हम सब समझते हैं कि हम भारत देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, लेकिन नहीं, आए दिन हमारे बेटियों पर अत्याचार, आए दिन नियत को ये हो रहा है, तो हम इसके रोके लिए हम भी चाह रहे कि हमारी बेटी मनीषा को भी इंसाफ मिले और उसके बलात्कारी को सजाए मौत मिले। हिंदू धर्म में आज तक कहीं भी किसी की मौत होते हैं तो रात में किसी का दाह संस्कार नहीं करते, लेकिन यहाँ इंसाफ हुआ है, इंसाफ नहीं हुआ है कि हमारी बेटी मनीषा को 3 बजे रात को पेट्रोल डाल के जलाया गया, ये तो बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाह रहे हैं कि उस दरिंदे को सजाए मौत फांसी। एक दलित की बेटी के साथ जो अत्याचार और अनाचार हुआ है और उसके परिवार वालों के साथ पूरा देश आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखा, और आज हम उसी के इंसाफ के लिए यहाँ पर एक दिवसीय मौन सत्याग्रह किए हैं। हम चाहते हैं कि मनीषा के साथ जो अन्याय हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, उसके उसका न्याय मिलना चाहिए, और जो अपराधी इसमें संलिप्त हुए हैं उनको कानून के हिसाब से कम उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आज हम देख रहे हैं यूपी में बेटी और बहुत सुरक्षित नहीं, एक तरफ वही अपराधी की तस्वीर, उसके पिताजी की तस्वीर मोदी जी के साथ और योगी जी के साथ वायरल होती है, उसके बाद भी एक अमानवीय, जिसको कृत्य कहा जाए, कि रात को 2:30 बजे अंधेरे में उस बेटी की लाश को जला दिया जाता है और परिवार वालों को देखने नहीं दिया जाता। तो हम इसके विरोध में और उसके इंसाफ के लिए यहाँ पर एक मौन धारण किए हैं ताकि बेटी मनीषा को न्याय मिल सके। सर, कल कैबिनेट मंत्री के द्वारा छत्तीसगढ़ में हुई घटना को एकदम छोटी घटना बता दी गई, तो संबंध में क्या कहना है? इस बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, यदि किसी ने कुछ कहा है तो जब कुछ जानकारी हो तब तक मैं इसमें कहना होगा।